नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सलमान खान के लिए फैसले का दिन आज। आर्म्स एक्ट मामले में जोधपुर कोर्ट सुनाएगा फैसला। सुनवाई के लिए बहन अलवीरा के साथ जोधपुर पहुंचे सलमान। यूपी के चुनावी गढ़ में एसपी और कांग्रेस साथ साथ लड़ेंगे चुनाव। आज हो सकता है महागठबंधन का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश कांग्रेस को 80 से 85 सीटें देने को तैयार। पंजाब में लांबी सीट से आज पर्चा भरेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। प्रकाश सिंह बादल को देंगे चुनौती। आपसे जर्नैल सिंह भी इस सीट से लड़ेंगे चुनाव। नोटबंदी के 70 दिन पूरे। कांग्रेस आज आरबीआई की शाखाओं पर करेगी प्रदर्शन। बैंकों से नोट निकालने की सीमा खत्म करने की है मांग। रेलवे को निशाना बनाने वाले आईएसआई के 3 कथित संदिग्ध बिहार से गिरफ्तार। पटरियों पर विस्फोटक लगाकर हादसों को देते थे अंजाम। कानपुर हादसे के पीछे भी हो सकती है इनकी साजिश। और नाइजीरिया में वायुसेना की गलती ने छीन ली बेगुनाहों की जिंदगी। लड़ाकू विमान ने शरणार्थी कैंप पर की बमबारी। गोलाबारी में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।